लिए हमने तेल और घी के साथ गरम मसाला यानी कि जीरा, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ती के साथ प्याज, अदरक और मिर्च को फ्राई किया है। साथ में कुछ हम ड्राई फ्रूट्स डाल के भून लिए हैं। तो ये हुआ हमारा पुलाव का तड़का। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम आलू डाल लेंगे, क्योंकि वेजिटेबल पुलाव में आलू का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। साथ में हम फ्रेश गोभी डाल लेंगे यानी कि फूल गोभी। तो गोभी को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के और धो रखा है। पुलाव में थोड़ा सा कैप्सिकम का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो उसे हम डाल दिए हैं। अब हम सभी सब्जियों को अभी कच्चा यानी कि आधा तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। इसे पकाने में हमें 8 से 10 मिनट लग सकता है। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी सब्जियां आधा पक चुकी है। इसी स्टेज पे हम कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये है हमारा हल्दी, धनिया, मिर्ची और स्वाद के अकॉर्डिंग हमने नमक ले रखा है। सभी को हम साथ में ही डाल देंगे और मसाले के साथ अपनी सब्जियाँ पका लेंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जब हम राइस डालेंगे तो उसके साथ में तो ये और पकना ही है। अब इसके ऊपर से हमने कुछ टमाटर काट के रखे हैं, जिसे बड़े बड़े साइज में काट रखा है। हम जब पुलाव सर्व करें तो सभी सब्जियाँ दिखनी चाहिए, इसके लिए हमने सब्जियों का साइज बड़ा रखा है। अच्छे से हम इसे भूनेंगे, तब तक हम राइस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सब्जी, मसाला, टमाटर सभी को भून लिया है। फिर से कह दे रही हूँ, इसे ज्यादा गलने नहीं देना है हमें, केवल इसकी हल्का सा रोस्ट मिल जाना चाहिए। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे चावल। तो यहाँ पे हमने बासमती चावल लिया है, जिसे अच्छे से धो लिया है। आप चाहे तो इसे आधा घंटा भिगा के भी पका सकती हैं, लेकिन इससे क्या होता है, अपना चावल बहुत ही सुंदर दिखता है, गीला गीला और टुकड़ा नहीं होता है। तो हम तुरंत डाले हैं। चावल को भी हम कुछ सेकंड के लिए मसाला में भून लेंगे। तो फिर से अब देख सकते हैं सब्जियों के साथ हमने चावल को भी भून लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 ग्लास पानी, यानी कि हमने 1 ग्लास राइस लिया था, तो 2 ग्लास पानी डाल रहे हैं। आप हो सके तो उबला हुआ पानी डालिएगा, तो फटाफट राइस अपना कुक होने लगता है, टाइम नहीं लगता है। अब हम उबाल आने तक से तेज फ्लेम पे पकाएंगे, बाद में हम कैसे स्लो फ्लेम करेंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने तेज फ्लेम पे अपने राइस को अच्छे से बॉयल कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारी सब्जियां भी पक चुकी हैं, लेकिन हम हल्का सा पानी जो बचा है उसे ऑब्जर्व करने के लिए इसमें एक ढक्कन रखेंगे और फिर हम इसे स्लो कुक करेंगे, यानी कि 5 से 7 मिनट। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुका है, आपको मैं दिखा देती हूँ हमारी पुलाव कैसी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना खिला खिला वेजिटेबल पुलाव हमने आसानी से तैयार कर लिया है। चलिए इसकी प्लेटिंग आप देख लीजिए। तो हम चम्मच से ऐसे धीरे से उठाएंगे और अपने प्लेट में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फाइनली वेजिटेबल पुलाव का प्लेटिंग। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।